आपने नाट्य शास्त्र की रचना भी आरंभ कर दी है महाजी। मैं जानता था आपके और सती के मिलन के पश्चात कई सृजनात्मक कार्यों का स्रोत कैलाश ही होगा। इससे सृष्टि को बहुत लाभ होगा महादेव। मेरे यहां आने का तात्पर्य आप दोनों को आमंत्रित करने का था। आपके विवाह के संपन्न हो जाने के उपलक्ष्य में मैं एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं महादेव, जिसमें अपने पुत्र दक्ष को भी आमंत्रित कर रहा हूं। उसी की स्वीकृति के कारण आपका विवाह संपन्न हुआ है, जिसके द्वारा सृष्टि का अपार हित आरंभ हो चुका है महादेव। पिता, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। इसी उपलक्ष्य में मेरी पिताजी तथा अन्य परिवार वालों से भेंट हो जाएगी। हम अवश्य आएंगे। हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है ब्रह्मदेव, हम अवश्य आएंगे। आइए महादेव, स्थान ग्रहण करिए। हम आपके ससुर दक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दक्ष के आते ही यज्ञ शुरू हो जाएगा। आयुष्मती भा, कैसे हैं पिताजी? कैसी हूं मां? दीदी, अच्छा हुआ सती कि तुम इस यज्ञ में आ गई। वैसे तुम्हें मिलने के लिए और तुम्हें उपहार देने के लिए हम तो कैलाश आने ही वाले थे। कैसी हो? मैं जैसी है वो तो इसके बुखार बिंदु से ही स्पष्ट है। अहंकारी पति होगा तो ऐसा ही होगा। आपने देखा नहीं, हमसे भेंट करने के लिए महादेव अपने स्थान से हिले तक नहीं। वो यहाँ आमंत्रित है दीदी, वो तो इस घर के अतिथि हैं। स्वागत सत्कार आपको उनका करना चाहिए। सती बिल्कुल ठीक कह रही है, विदेव है वो, उनकी अपनी एक मर्यादा है, अपनी गरिमा है। अवश्य उनकी गरिमा है, परंतु यहां पर वो जमाता ही। उन्हें आप दोनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए था। नहीं, सांसारिक नियमों के अंतर्गत जमाता सदैव अतिथि ही होता है। और तुमने ये शीर्षक तो सुना ही होगा, अतिथि देवो भव। इसलिए ससुर को ही जमाता का स्वागत करना चाहिए। स्वामी,
शिव का स्वागत आपको ही करना चाहिए। उनके पास जाकर आओ पुत्र, अपने जामाता से मिल लो। आओ। कल्याणमस्तु प्रजापति दक्ष। देखा, शिव के अभिमान की चरम सीमा पार हो गई है। पिताजी शिव से बड़े होते हुए भी उनके पास गए। शिव की इतनी दृष्टता कि उन्होंने पिताजी को आशीर्वाद दिया, जैसे पिताजी उनके ससुर न होकर कोई छोटे से बालक हो। हमने अपने पिता का ऐसा मन कभी नहीं देखा। चलिए, यज्ञ का मुहूर्त आरंभ हो चुका है। यज्ञ? कौन सा यज्ञ पिताजी? मेरे अपमान का यज्ञ? इसीलिए आपने सब परिवार बुलाया था? अभिप्राय क्या है आप सबका? कई दिनों से मैं इस अभिशाप का भुक्त भोगी हूं। सर्वप्रथम मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी पुत्री सती का विवाह शिव से करवाया, उस संस्कारहीन शिव से जिसे अपने ससुर का सम्मान करने का बोध तक नहीं, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि ससुर पिता तुल्य होता है, जिसके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, ना कि उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। मुझे शिव से सम्मान की कोई लालसा नहीं है, परंतु मैं अपना अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं आज सबके समक्ष ये प्रण लेता हूं कि आज के पश्चात मैं अपने किसी भी समारोह में शिव को आमंत्रित नहीं करूंगा। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस समारोह में शिव की उपस्थिति हो, ऐसे प्रत्येक समारोह का मैं बहिष्कार करूंगा। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, माँ, माँ आप समझाइए ना।